राजपूत मामले में आईपीएस नुपुर शर्मा, जो कि सीबीआई टीम का एक हिस्सा है, चार मेंबर्स में से एक पुलिस अफसर है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने ये भी पूछा, इस मामले में पूछा कि सुशांत के अलावा कौन नशा करता था, क्या वो भी नशे करते थे। शौविक, रिया और उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी और तो और सैमुअल मिरांडा, इन सब के नाम, जया शाह, गौरव आर्या, इन सब के नाम, आयुष के नाम आपने पढ़े होंगे उस व्हाट्सएप चैट में जिसे श्वेता सिंह कीर्ति ने वायरल किया था। उस चैट को लेकर ही ईडी के शेयर किए गए तरफ से मैसेज को लेकर ही जब नुपुर शर्मा ने सवाल किया तो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे सकी रिया। घर में पार्टी होने को लेकर भी सवाल उनसे किया गया। चौथे दिन कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल किया गया। श्रुति ने ये तो बताया कि सुशांत की बहन के साथ झगड़े हुए, वो हॉस्पिटलाइज थे और तब से ही उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन रिया ने घर पर होने वाली पार्टी को लेकर जवाब देने में असमंजस महसूस की, क्योंकि ये बात सच है कि हर किसी ने बताया कि जब भी रिया के घर पर उनकी फैमिली की, उनके फ्रेंड्स की पार्टी होती थी तो सुशांत उस पार्टी का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते थे, वो अपने कमरे में बंद रहते थे। सैमुअल मिरांडा ने ये खुलासा किया कि वो कमरे में जब बंद हो जाते थे तो कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ आती थी, सिसकियाँ आती थी और सुशांत की स्थिति ठीक नहीं रहती थी, लेकिन रिया फिर भी पार्टी किया करती थी। रिया ने इस बारे में एक बार भी इंटरोगेशन के दौरान नहीं बताया कि सुशांत की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद, उनके नशे में होने की जानकारी पाने के बावजूद भी उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया। रिया ने मीडिया कर्मियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिलहाल परेशानी खड़े करने की बात कही थी, लेकिन उनसे जुड़े हुए सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। रिया अर्जुन को जब वहाँ से गई तो रिया ने क्यों फिर सुशांत से कॉल नहीं किया, ना ही सुशांत की सेहत के बारे में किसी से भी जानकारी लेने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि सुशांत की मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं थी और सुशांत की स्थिति और बिगड़ रही थी। वो उन्हें उल्टा ब्लॉक कर गई जब सुशांत ने उन्हें मैसेज किया। इसे लेकर जब रिया से सवाल किया गया तो आईबीएस नुपुर के तमाचे वाले सवाल का जवाब रिया के पास बिल्कुल भी नहीं था। वहीं शौविक को लेकर कहना है कि शौविक से तमाम सवाल किए गए, लेकिन शौविक जिन पर सुशांत खूब पैसे लुटाया करते थे, रिया जिन पर पैसे खूब लुटाया करते थे सुशांत, उन दोनों के खर्च को लेकर भी कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब रिया के पास नहीं था। रिया ने यही कहा कि सुशांत अपनी मर्जी से खर्च किया करते थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एटीएम का पिन नंबर उन्हें किसकी मर्जी से मिला तो इस पर भी जवाब उनके पास नहीं था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।